पटना में जन्मे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपनी चार बहनों के बीच एकलौते और दुलारे भाई थे और उनकी बहनें उन्हें प्यार से गुलशन कहा करती थी, लेकिन उनके घर के ये गुलशन हमेशा के लिए अब मुरझा गए हैं और मानसिक तनाव के कारण सुशांत ने आत्महत्या कर ली। वहीं फिल्मी सितारों की दुनिया में जितनी चमक धमक दिखती है उतनी असल में होती नहीं है और कईयों के साथ लिंकअप्स और अफेयर्स होना आम बात होती है। सुशांत सिंह राजपूत के भी उनके को-स्टार्स के साथ रिलेशन रहे हैं, लेकिन सबसे चर्चित नाम अंकिता लोखंडे, कृति सेनन, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती का रहा है। सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट से ही अंकिता लोखंडे के साथ सुशांत के प्यार के परवान चढ़े और 6 सालों तक इनका रिलेशनशिप रहा। टीवी के ये दोनों बेस्ट और मेड फॉर ईच अदर कपल के बारे में जाने जाते थे, लेकिन फिल्मों में सफलता मिलने के बाद से सुशांत की दिलचस्पी अंकिता में कम होने लग गई। वैसे सुशांत ने खुले तौर पर एक रियलिटी शो के दौरान अंकिता को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जल्द ही इनके ब्रेकअप की खबरें ने सबको दंग कर दिया। फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ सुशांत के अफेयर के खूब चर्चे हुए। फिल्म राब्ता के दौरान सुशांत और कृति एक दूसरे के करीब आए और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लग गए, लेकिन राब्ता के बाद ये दोनों अपने अपने प्रोजेक्ट्स में इतने बिजी रहने लग गए कि इनका अफेयर कब ब्रेकअप में बदल गया उसकी भनक भी किसी को नहीं पड़ी। वैसे फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सुशांत और सारा के भी अफेयर के चर्चे हुए थे, जहां कहा जा रहा था कि सारा सुशांत को बहुत पसंद करने लग गई है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थी। फिर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आई और सुशांत और रिया का सीरियस रिलेशनशिप चला। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। इन दोनों के लद्दाख और यूरोप के वेकेशन के लवी डवी पिक्चर्स भी खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं इन दोनों की शादी की भी खबर कई महीनों तक उड़ रही थी। आपको बता दें, सुशांत के आत्महत्या के एक हफ्ते पहले तक रिया सुशांत के साथ ही रह रही थी, लेकिन एक हफ्ते पहले ही वो सुशांत के घर को छोड़कर आई। वेल, सुशांत के परिवार जनों का कहना है कि इस साल नवंबर के महीने में ही सुशांत सिंह की शादी होने वाली थी, जिसके लिए सभी मुंबई आना चाहते थे, लेकिन किस लड़की के साथ होने वाली थी ये किसी ने नहीं बताया।